नमस्कार दोस्तों, विहांस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र एक का खंड आ का इकाई 5 होगा, जिसके अंतर्गत आपको सभी रियासतें पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर आपको सिलेबस में मिलेगा कि यहाँ पर 6 रियासतें हैं जिसके अंतर्गत हम पूरा पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इन रियासतों में किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कभी YouTube पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या है कि रियासतें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती हैं। यहाँ पर पूरा सिलेबस नहीं होता है, कंटेंट जो है आपके पास वहाँ पे कैसा है थोड़ा सा अलग अलग है। एक तरीके से या एक प्लेटफॉर्म पे पूरी की पूरी चीज़ें नहीं बताई गई हैं या नहीं समझाई गई हैं। जैसे हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर रियासतों पर बच्चों को बहुत सारी समस्या आती है और उन्हें एक प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर जो रियासतें पढ़ाई गई हैं वो 2-3 सोर्सेज से लेकर पढ़ाई गई हैं और इस पूरे लेक्चर में यहाँ पर जो रियासतें पढ़ाई जाएंगी वहाँ पर आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है तो यहाँ पर आपको क्या है, एक लेक्चर में आपकी एक रियासत पूरे तरीके से कंप्लीट कराई जाएगी। इसके पहले आपका, आप अगर विहांस इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगा। वहाँ पर यूनिट 5 है जो पेपर 3 का, आपको पेपर 6 पूरा निबंध मिल जाएगा, साथ में आपको प्रारूप लेखन भी मिल जाएगा। उसके बाद जो पेपर 5 है वो भी पूरा यूट्यूब पर कंप्लीट कराया जा चुका है। तो यहाँ पर आपका पेपर 5 पेपर 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। पेपर 3 का जो यूनिट 5 है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से आज हम क्या करेंगे, आज हम रियासतें शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत 6 रियासतें हैं उसे बारी बारी पढ़ेंगे और यहाँ पर एक लेक्चर में आपका पूरा रियासत समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप एक लेक्चर देखिए और यहाँ से आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पर बनाया है वो 2-3 सोर्सेज से लेके बनाया गया है और जिससे यहाँ पर सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपको रियासतें मिलेंगी वो है गोंडवाना रियासत, गोंडवाना रियासत के बाद हम देखेंगे भोपाल रियासत, भोपाल के बाद होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, बुंदेलखंड के अंतर्गत कुछ रियासतें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और बघेलखंड की रियासतें में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एमपीपीएससी ने जो पेपर 1 का यूनिट 5 है यहाँ पर 5-6 रियासतें दी गई हैं और 6 रियासतों को हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये रियासतें, इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इन्होंने अपना योगदान दिया या क्या भारत के इतिहास में ये अपना स्थान रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ शुरुआत करते हैं गोंडवाना रियासत। तो गोंडवाना रियासत है क्या, कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरीके से इनका स्थान था, मध्य प्रदेश में उन्होंने कहाँ कहाँ अपना स्थान रखा या किस क्षेत्रों में उन्होंने अपना शासन किया, ये सारी चीज़ें समझेंगे। आगे देखेंगे कौन कौन से शासक हुए हैं, किन शासकों ने अपना क्या योगदान दिया है, किस तरीके से उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, 1857 की क्रांति में उन्होंने क्या योगदान दिया, उनका किस तरीके से उनका राजनीतिक परिदृश्य था, आर्थिक परिदृश्य था और उसके बाद सांस्कृतिक परिदृश्य था, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। उसके आगे ये भी समझेंगे कि इनका स्थापत्य कैसा था, इन्होंने किस तरीके से आर्किटेक्चर, उन्होंने क्या क्या बनवाया है, किस तरीके से उन्होंने अपना कार्य किया है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गोंडवाना रियासत की स्थिति है क्या, किस क्षेत्र में थे या किस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप मध्य प्रदेश का मैप है ये, है ना, तो मध्य प्रदेश के मैप में ये जो चिन्ह बना हुआ है ये एरिया था कहाँ पे, गोंडवाना रियासत का, मतलब इन क्षेत्रों में मंडला का जो आसपास क्षेत्र है, मंडला हो गया, जबलपुर हो गया, ये सारा जो क्षेत्र है आसपास का ये क्षेत्र कहलाता है गोंडवाना रियासत। या इस रियासतों में अलग अलग शासकों ने क्या किया, अपना शासन भी किया और शासन के पश्चात इन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य भी विस्तार किया। तो यहाँ पर एक सही स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो गोंडवाना रियासत है वो विंध्याचल और सतपुड़ा जो अपने मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ अपनी क्या है, ये विंध्याचल श्रेणी निकलती है यहाँ से और ये सतपुड़ा श्रेणी निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिवाइड है यहाँ पर इनके मध्य में क्या है, इनके मध्य में गोंडवाना रियासत का राज रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये जो रियासत था इनका संबंध किससे था, इनका संबंध गोंड जनजाति से था। ठीक है, जिनके तहत इन्होंने आगे क्या किया, अपना शासन किया। तो ये अपना संबंध ये मानते हैं कि इनका संबंध किससे था, इनका संबंध गोंड जनजाति से था। अब रही बात क्षेत्र की बात समझ में आ गया आपको कि क्षेत्र कहाँ था। आगे ये देखा जाएगा कि इन क्षेत्रों को बोला क्या जाता था। तो जब इन्होंने अपना शासन किया या शासन स्टार्ट किया तो इस क्षेत्र को गढ़ा, कई स्थानों में हमें गढ़ा मिलता है,
कई जगह इसे गढ़ा मंडला भी बोला जाता था और कई जगह पे यहाँ पर गढ़ा कटंगा भी बोला जाता था। तो ये इन तीन नामों से क्या रहा है, प्रसिद्ध रहा है। तो यहाँ पर जो गोंडवाना रियासत थी उन्हें किन किन नामों से जाना जाता था, तो उन्हें बोला जाता था गढ़ा, गढ़ा मंडला या गढ़ा कटंगा। ठीक है, क्या क्या नाम थे दोस्तों? गढ़ा हो गया, गढ़ा मंडला हो गया और गढ़ा कटंगा। तो इस तरीके से ये तीन इनके फेमस नाम से या तीन नामों से क्या था, ये प्रसिद्ध हुआ करता था। और इन्होंने इस नाम से ही क्या किया है, आगे शासन किया है। बहुत सारे हमें क्या अभिलेख भी मिलते हैं, या फिर हमें क्या है गणेश वर्णवम से भी हमें कई सारे इनके क्या हमें पाया जाता है, जिससे हमें कुछ कुछ जानकारी प्राप्त होती है। और उस जानकारी से हमें ये पता चलता है कि ये जो राज्य था ये इन नामों से क्या था, प्रसिद्ध था। अब कई जगह हमें क्या सिक्के भी मिले हैं। अब वो सिक्के किसके थे? संग्राम शाह के सिक्के थे। तो संग्राम शाह ने अपने सिक्कों में अपने आप को क्या बोला है, पुलत्स्यवंशी बोला है। तो यहां पर उनके सिक्कों में क्या मिलता है, यहां पर हमें मिलता है पुलत्स्यवंशी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि पुलत्स्यवंशी किसे कहा जाता था, तो ये गोंडवाना रियासत के शासकों को या गोंड जनजाति के लोगों को क्या बोला जाता था, उन्हें पुलत्स्यवंशी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या हुआ, उनका क्षेत्र समझ लिया कि किन क्षेत्रों में उनका विस्तार था, क्या क्या क्षेत्र में उनका नाम बोला जाता था, किन क्षेत्रों मतलब उनके नाम क्या क्या थे, गढ़ा मंडला, गढ़ा कटंगा, इन नामों से क्या था वो प्रसिद्ध हुआ करता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोग देख लिए हैं। अब बात करेंगे कि गढ़ा राज्य किस तरीके से था, क्या नाम था, किन्होंने उसकी स्थापना की और किस तरीके से वंश के साथ वो आगे बढ़ा, तो वो सारी चीजें हम बारी बारी समझते हैं। तो यहाँ पर गढ़ा राज्य की बात करेंगे, तो गढ़ा राज्य की स्थापना किसने की थी, गढ़ा राज्य की स्थापना की थी 1328 में यादव राय में। दोस्तों यहाँ पर कई इतिहासकारों में मतभेद भी हैं, उन्होंने क्या है कि यहाँ पर सही दृष्टिकोण से ये पता नहीं लगा पाया कि ये जो गोंडवाना रियासत का जो काल था वो कब से शुरुआत हुई है। कई जगह आपको 668 ईस्वी का समय भी मिलेगा कि यहाँ से चलते आया, फिर चलते चलते ये अपनी रियासत बड़ी नहीं कर पाए, और बाद में जाके जब 1328 में यादव राय का जन्म हुआ तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्या किया, गढ़ा राज्य की स्थापना की। तो कई जगह ऐसे इतिहासकारों के बीच मतभेद भी हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे वो ये करेंगे, यहाँ पर जो स्थापना की गई है गढ़ा राज्य की, वो किसके द्वारा की गई है, वो की गई है यादव राय के द्वारा, और कब की गई है, 1328 में। और जो इसका क्षेत्र था, गोंडवाना रियासत का जो क्षेत्र था वो था मंडला के आसपास का क्षेत्र। अब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किसका टाइम पीरियड चल रहा है, 1328, मतलब अगर भारत में देखा जाए तो भारत में क्या चल रहा है, सल्तनत काल का समय चल रहा है। और आपको पता होगा कि 1216 के आसपास यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का समय काल था। 1216 में अलाउद्दीन खिलजी की क्या, सॉरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वर्चस्व था वो पूरे भारत राज्य में था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो छोटे मोटे शासक थे वो अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे 1316 में मृत्यु होती है अलाउद्दीन खिलजी की और सल्तनत काल धीरे धीरे बिखरने लगता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे राज्य उभरने लगते हैं। और यही समय काल था जहाँ पे क्या होता है, गोंडवाना रियासत की स्थापना होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो केंद्रीकृत शासन था सल्तनत काल का, वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे यहाँ पर समाप्ति की ओर या फिर पतन की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे गोंडवाना रियासत की स्थापना होती है, जो समय काल था 1328 का। अब ये सब की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो कहीं ना कहीं जैसे अशोक के समय में कई जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से मिलती है, शिलालेख से मिलती है, वैसे ही गोंडवाना रियासत की बात करें तो गोंडवाना रियासत में क्या होता है, यहाँ पर जो जानकारी है वो रामनगर शिलालेख से या गणेश नृपवर्णम से, और कई जगह हमें आईने अकबरी से क्या मिलता है, इस रियासत के बारे में या इस रियासत के शासकों के बारे में हमें क्या है, हमें उल्लेख मिलता है, या हमें गोंडवाना रियासत की जानकारी हमें इन शिलालेखों से, अभिलेखों से या किसी पुस्तकों से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये समझ गए। तो यहाँ पर गढ़ा राज्य का आपको ये बता दिया गया कि गढ़ा राज्य की स्थापना किसने की, यादव राय ने की, कब की, 1328 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब जो था यहाँ पर जो राज्य था, जो गढ़ा राज्य कितने भागों में विभाजित था, वो 52 गढ़ों में विभाजित था। ठीक है, 52 गढ़ों में यहाँ पर क्या हुआ था, पूरा का पूरा गोंडवाना रियासत को विभाजित किया गया था, जिसमें से मुख्य थे यहाँ पर आप देख रहे होंगे रामगढ़ हो गया, देवगढ़, और देवगढ़ के पश्चात क्या था, चौरागढ़ और गढ़ा। ऐसे क्या था, ऐसे ये तो प्रमुख हो गए, यहाँ पर ऐसे 52 गढ़ों में क्या किया गया था, यहाँ पे 52 गढ़ों पे पूरे के पूरे गढ़ा राज्य को विभाजित किया गया था।
अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इतना बड़ा साम्राज्य था या रियासत थी ये, क्योंकि इन्होंने 300 वर्षों तक कहीं ना कहीं शासन किया है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख शासक भी रहे, मतलब अलग अलग शासक थे, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख शासक थे जिन्होंने गोंडवाना रियासत के उत्थान में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। तो यहाँ पर अगर प्रमुख शासकों की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे यादव राय, उसके बाद सबसे शक्तिशाली शासक संग्राम शाह के बाद आपका मिलेगा दलपति राव, उसके बाद दुर्गावती, मधुकर शाह, हृदय शाह और शंकर शाह। और शंकर शाह के पुत्र थे, क्या थे? रघुनाथ शाह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्या दिया है? अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जबलपुर के क्षेत्र से जो विद्रोह हुआ था वो शंकर शाह और रघुनाथ शाह के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर गोंडवाना रियासत के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया गया। और आपसे गोंडवाना रियासत की बात पूछी जाए तो आप उनका सबसे पहला क्षेत्र बताएंगे कि किस क्षेत्र में था, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, 3 मार्कर में आप वो बता देंगे, इसके स्थापना या संस्थापक कौन थे वो बता देंगे, और किन गढ़ों में विभाजित था या क्या प्रमुख शासक थे, वो जितने भी पॉइंट आप यहाँ पर 3 पॉइंट में बता सकते हैं, आप अच्छे से अच्छे पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शासकों से शुरू करते हैं और शासकों में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से शासक थे और उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यादव राय की बातें करें तो यहाँ पर याद था, आपको बताया जा चुका है कि 1328 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गोंडवाना रियासत की या गढ़ा राज्य की क्या की है, स्थापना की है। ठीक है, तो यादव राय के बारे में आया तो यादव राय के बारे में लिखेंगे, गोंड वंश के क्या थे? संस्थापक थे। क्षेत्र कौन सा था? अभी क्या था? मंडला वाला क्षेत्र था। और ये सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें इसकी जानकारी मिलती है रामनगर शिलालेख से। तो यहाँ पर यादव राय के बारे में आए तो आप 3 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि गोंडवाना वंश के संस्थापक थे, इनका क्षेत्र मंडला था और इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रामनगर शिलालेख से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अनेक कई शासक आए। ठीक है, उसकी यादव राय के बाद खरजी आए, गोरक्षदास आए, सुखनदार आए और उसके बाद अर्जुनदास आए। अब अर्जुनदास जो थे वो संग्राम शाह के क्या थे? संग्राम शाह के पिता थे। अब संग्राम शाह कई बार अर्जुन शाह की बातों को नहीं मानता था, मतलब उनकी बातों को नेग्लेक्ट कर देता था, और उनकी बातें जब नहीं मानता था तो उन्होंने क्या निर्णय किया कि अब हम अपने क्या करेंगे, हम अब दूसरे पुत्र को शासन बनाएंगे या गोंडवाना रियासत की बागडोर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर संग्राम शाह को वो चीज़ सही नहीं लगी और उसने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी, और पिता की हत्या करने के बाद गोंडवाना रियासत का क्या किया, शासक बन गया। तो यहाँ पर आती है कहानी किसकी, यहाँ पर कहानी आएगी संग्राम शाह की। और संग्राम शाह ने अपने पिता की हत्या करने के बाद 1513 में क्या किया, गद्दी में बैठा, और 1513 से लेकर 1543 तक इसने क्या किया, शासन किया। यहाँ पे संग्राम शाह का जो वास्तविक नाम था वो था अमरदास। ठीक है, तो यहाँ पर संग्राम शाह का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, वो था अमरदास। ठीक है, और इन्होंने 1516 में अपनी क्या की, 1516 में संग्राम शाह की उपाधि धारण की, मतलब इनका नाम क्या था, अमरदास था। इनको जनरली इनिशियली क्या बोला जाता था, अमरदास बोला जाता था, और 1516 में इन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया या उपाधि धारण करी, और वो उपाधि कौन सी थी, वो उपाधि थी संग्राम शाह की। ठीक है, अब संग्राम शाह के बारे में थोड़ा जानेंगे तो संग्राम शाह जो था वो गोंडवाना रियासत का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि गोंडवाना रियासत का अगर सबसे शक्तिशाली शासक की बात की जाए तो वो कौन था, वो संग्राम शाह था। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो इन्होंने अपनी राजधानी मदन महल को बनाया, दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे। और ये सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अगर कोई स्रोत पूछा जाए कि ये स्रोत हमें कहाँ से मिला है या इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो जानकारी मिलती है हमें आईने अकबरी से। ठीक है, तो आईने अकबरी से हमें किसकी जानकारी मिली कि ये शक्तिशाली शासक था, संग्राम शाह करके कोई शासक था, इन्होंने उपाधि लिखी, अमरदास उनका नाम था, और उन्होंने किसकी उपाधि धारण की, तो उन्होंने क्या किया, 52 गढ़ाधिपति की उपाधि धारण की। ये उपाधि धारण क्यों की, क्योंकि इन्होंने ही 52 गढ़ में क्या किया था, गोंडवाना रियासत को विभाजित किया था। तो यहाँ पर इन्हें किस नाम से बोला जाता था या क्या उपाधि धारण की थी, वो थी 52 गढ़ाधिपति। ठीक है, तो यहाँ पे आप संग्राम शाह के बारे में आराम से लिख सकते हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है इससे आपका क्या होगा, आपके प्रॉपर तरीके से आंसर भी तैयार होते जाएंगे, क्योंकि ये जो नोट्स बनाए गए हैं ये उसी फॉर्मेट में बनाए गए हैं जिससे आपके क्या हो, आपके आंसर प्रॉपर तरीके से हो जाए, आपको कहीं भी भटकने या पॉइंट्स को ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संग्राम शाह ने किस तरीके से अपना साम्राज्य विस्तार किया,
या आगे किस तरीके से अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तो यहाँ पर स्लीवन महोदय बोलते हैं कि संग्राम शाह ने अपने राज्य को 52 गढ़ों में विभाजित किया था। तो यहाँ से हमें इसकी 52 गढ़ों में विभाजित वाली जो कहानी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो स्लीवन के अनुसार, मतलब स्लीवन ने ऐसा कहा था कि इन्होंने अपने राज्य को 52 भागों में विभाजित किया था। और 52 गढ़ की जानकारी हमें और किस में मिलती है, तो वो हमें मिल जाएगी आईने अकबरी में। ठीक है, तो आईने अकबरी में 52 गढ़ की हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। उसके बाद अगर हम इनका विस्तार देखें तो इनका विस्तार देखेंगे तो यहाँ पे मंडला, जबलपुर, बालाघाट, पश्चिम से देखें तो पश्चिम में ये रायसेन तक था, उत्तर में पन्ना तक था, पूर्व में रतनपुर तक था और दक्षिण में डक्कन तक इनका क्या था, इनका विस्तार था। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत का विस्तार बताया गया है, या इतना विस्तार उनके साम्राज्य का था। और ये साम्राज्य क्या है, काफ़ी बड़ा था, 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से इनका साम्राज्य विस्तार हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि इनकी राजनैतिक उपलब्धियाँ क्या थी, मतलब इन्होंने किस तरीके से राजनीतिक रूप से अपनी उपलब्धियाँ हासिल की और गोंडवाना रियासत के उत्थान में अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर राजनीतिक उपलब्धियों में बात करेंगे तो गोंडवाना रियासत के ये सबसे योग्य शासक थे, मतलब इन्होंने हर एक नज़रिए से अपना राजनीतिक पहलू हो गया या आर्थिक पहलू हो गया या सांस्कृतिक पहलू हो गया, इन सारे पहलुओं से ही क्या किया, इन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी क्या हुआ, अपना महत्वपूर्ण योगदान हुआ। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा देखेंगे यहाँ पर कि रायसेन विजय में गुजरात शासक बहादुर शाह की सहायता। ठीक है, तो रायसेन जब विजय हो रही थी तो यहाँ पे उन्होंने जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने वहाँ पर आक्रमण किया था तो संग्राम शाह ने उनकी क्या की थी, उनकी सहायता की थी, जिसकी वजह से उन्हें क्या हुआ था, उन्हें रायसेन में विजय प्राप्त हुई थी। अगला देखेंगे यहाँ पर, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे शासकों ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया है और शांतिपूर्ण वातावरण भी निभाया है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चंदेलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आपको पता होगा कि रानी दुर्गावती वो चंदेल की ही थी, मतलब उनकी ही पुत्री थी वहाँ के राजा की। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने चंदेल शासकों के साथ क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दूसरा क्या था यहाँ पर, यहाँ पर इनके जैसे आपको पता होगा कि गोंडवाना रियासत के पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर वीर सिंह देव, मतलब वीर सिंह देव जैसे बघेल शासकों का या बघेल खंड रियासत का क्या था, यहाँ पर स्थापना थी और वो शासन कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर भी यहाँ पर क्या किया, बघेल शासकों के साथ भी अपने अच्छे संबंध स्थापित किए। और जिनमें से वीर सिंह देव के साथ, संग्राम शाह के समय वीर सिंह देव के साथ उनके क्या थे, उनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो इस तरीके से उन्होंने दूसरी रियासतों के साथ भी क्या किया, अच्छे संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी ये राजनीतिक उपलब्धियाँ थी। पहली हो गई, ये एक महान शासक तो थे ही, रायसेन विजय में बहादुर शाह की सहायता की, चंदेलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और वीर सिंह देव के साथ भी इन्होंने क्या किया, दूसरी रियासतों के साथ, शासकों के साथ भी इन्होंने अपने मधुर संबंध स्थापित किए थे। अब आगे देखेंगे स्थापत्य में क्या योगदान था, मतलब संग्राम शाह ने स्थापत्य आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया था। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप सुने होंगे संग्राम सरोवर का नाम, तो यहाँ पे संग्राम सागर सरोवर का निर्माण किसने करवाया था, यहाँ पे संग्राम शाह ने करवाया था। दूसरा, इन्होंने चौरागढ़, नरसिंहपुर में एक क्षेत्र है जहाँ पर चौरागढ़ का दुर्ग बनवाया, तो चौरागढ़ में इन्होंने क्या किया, दुर्ग बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक आर्किटेक्चर या उनके स्थापत्य का उदाहरण है जिसका निर्माण संग्राम शाह के द्वारा करवाया गया था। फिर आगे देखेंगे संग्रामपुर, तो इन्होंने एक गांव बसाया जिसका नाम क्या रखा, उन्होंने रखा संग्रामपुर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इनके स्थापत्य में इन्होंने संग्रामपुर भी बसाया। आगे हम देखेंगे इन्होंने मदन महल भवन का भी निर्माण करवाया। यहाँ पे आप समझिएगा, मदन महल जो महल है वो बनवाया था मदन शाह ने, लेकिन मदन महल का जो भवन है वो निर्माण कराया था संग्राम शाह ने। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब आती है बात साहित्य की, क्योंकि हर एक शासक जब तक साहित्य को अपना समर्थन नहीं देता है तो वो वहां पे क्या होता है, कुछ चीज इतिहासकार या साहित्यकार वो वहां से चीजें क्या होती हैं, रुकना बंद हो जाती हैं। तो संग्राम शाह के द्वारा साहित्य को भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया या उनके द्वारा भी ये सब चीज़ें उनको प्रोत्साहन मिला। तो संग्राम शाह क्या थे, एक स्वयं साहित्यकार थे, उन्होंने संस्कृत ग्रंथ में रस रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पर संग्राम शाह स्वयं एक साहित्यकार थे जिसकी वजह से उनका साहित्यकार को प्रोत्साहन देना भी
जायज सी बात है, वो उन्होंने दिया भी, और साथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने रश्न रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की। अब रश्न रत्नमाला के अंदर कई जगह स्त्रियों की भी बात की गई है, कई जगह आर्किटेक्चर की भी बात की गई, तो इन्होंने विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर रश्न रत्नमाला में क्या किया, अब उनका उल्लेख किया गया। और ये किस भाषा में था, तो ये था संस्कृत भाषा में। तो जरा रश्न रत्नमाला पर आपको 3 मार्कर पूछा जा सकता है, तो संस्कृत ग्रंथ था, यहाँ पे संग्राम साह ने इसके रचना की थी, और इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं इन्होंने महिलाओं का अपने राजनीतिक विषयों का क्या किया है, वर्णन किया है। दूसरा चीज, इन्होंने क्या किया, विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया था। तो दामोदर ठाकुर करके व्यक्ति थे जिन्होंने जिनको क्या किया, इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था अपने सभा में। फिर अगली चीज मिलती है कि अगर साहित्य की बात की जाए, तो साहित्य में इन्होंने अपने सिक्कों पे तेलुगु भाषा का उपयोग किया था, और तेलुगु भाषा का उपयोग में उन्होंने पुलस्तवंशी जो लिखा था अपने सिक्कों में वो तेलुगु भाषा में ही लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर उनके सिक्कों पे क्या मिलता है, तेलुगु भाषा का उल्लेख मिलता है, मतलब इन्होंने तेलुगु भाषा का समर्थन किया, इन्होंने अपने उसमें संस्कृत भाषा, तेलुगु भाषा, इन दोनों भाषाओं का ही उपयोग किया है। तो साहित्य में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब मुद्रा की बात आते हैं, तो मुद्रा में संग्राम साह ने गोलाकार, वर्गाकार, वर्तुलाकार, सोने, चांदी, ये सबके सिक्के अपने राज्य में चलाए गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिक्के भी चलाए संग्राम साह ने, जो अलग अलग आकार के सिक्के थे, सोने के भी सिक्के चलाए, चांदी के भी सिक्के चलाए, कहीं ना कहीं क्या था, एक समृद्धशाली रियासत थी जिसके द्वारा इन्होंने अपना कार्य किया। अब सोने के सिक्के चांदी के सिक्के चल रहे हैं, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं सुदृढ़ रही होगी। ठीक है, अब आते हैं भाषा की बात, तो इन्होंने कुल मिला के क्या किया, संस्कृत और तेलुगु भाषा का क्या किया है, प्रयोग किया है। ऐसा माना जाता है कि ये द्राविडियन द्राविड़ हैं या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप के हैं, तो इन्हों का क्या था, यहाँ पर वो यहाँ पर तेलुगु भाषा और संस्कृत भाषा का क्या किया है, प्रयोग किया है। अब यहाँ पर 1543 में क्या होता है, संग्राम साह की मृत्यु हो जाती है, संग्राम साह की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर इन्होंने अपना योगदान दिया। 30 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, 30 वर्षों तक क्या किया, शासन किया, और 1543 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। तो संग्राम साह की मृत्यु कब हुई, 1543 में। ठीक है, अब इसके बाद यहां से कहानी शुरू होती है, क्योंकि संग्राम साह के क्या थे, 2 पुत्र थे। अब इसके बाद एक पॉइंट और देखेंगे, संग्राम साह ने 26 वर्ष तक राज्य के बाहर रहकर साम्राज्य का विस्तार किया था, मतलब 30 वर्षों के शासनकाल में इन्होंने 26 वर्ष बाहर रहकर क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य के उत्थान के लिए कार्य किए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर संग्राम साह की मृत्यु हो गई। अब संग्राम साह के क्या है, 2 पुत्र होते हैं, 2 पुत्र में पहले पुत्र थे दलपति साह और दूसरा पुत्र थे चंद्र साह। तो यहाँ पर बड़े पुत्र कौन थे, दलपति साह थे। तो यहाँ पर जो शासक बनेगा या राजा बनेगा वो कौन बनेगा, दलपति साह बनेगा, और इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से कहानी आगे चलती है। ठीक है, संग्राम साह की स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है, यहाँ पर संग्राम साह की मृत्यु हो गई। अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से संग्राम साह के उत्तराधिकारियों ने अपना शासन किया है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि संग्राम साह के उत्तराधिकारी की बात करें, तो यहां पर जो संग्राम साह थे, संग्राम साह के पुत्र थे, 2 पुत्र थे, एक थे दलपति साह और दूसरे थे कौन, चंद्र साह। दलपति साह बड़े पुत्र थे, इनका विवाह किसका हुआ, महोबा के चंदेल राजा कीरत राय की पुत्री के साथ, और कीरत राय की पुत्री कौन थी, तो वो थी रानी दुर्गावती। तो यहां पर दलपति साह का विवाह होता है किसके साथ, रानी दुर्गावती के साथ, और रानी दुर्गावती और दलपति साह के पुत्र होते हैं, उनका नाम था वीर नारायण। ठीक है, तो वीर नारायण यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे दलपति साह और रानी दुर्गावती के पुत्र होंगे। तो यहां से जब संग्राम साह की मृत्यु होती है, संग्राम साह की मृत्यु होने के बाद दलपति साह शासक बनते हैं। अब 1543 में दलपति साह शासक बने, तो यहां पर क्या हुआ, कुछ सालों तक उनकी तबीयत खराब थी, जब स्वास्थ्य सही ना होने के कारण 7 वर्ष के बाद, शासन के 7वें वर्ष उनकी क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब 1550 में, 1550 में क्या हुआ, दलपति साह की मृत्यु हो गई। अब राजा कौन बने, क्योंकि वीर नारायण क्या था, अल्पवयस्क था, वो राजा तो बन सकता था लेकिन उसमें समझ नहीं थी। तो यहां पर रानी दुर्गावती एंट्री लेती हैं और रानी दुर्गावती पूरे साम्राज्य की क्या है, बागडोर संभालती हैं। अब बागडोर संभालने में या क्या करती हैं, वो वीर नारायण को 1570 में, 1550 में राजा घोषित करके स्वयं उनकी क्या बनती है, उनकी संरक्षिका बन जाती है। तो यहां पर रानी दुर्गावती संरक्षिका बन जाती हैं, वीर नारायण को शासक बनाती हैं और पूरी शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती हैं। तो यहां पर 1550 से लेके 1565 तक
किसका शासन था? वो था वीर नारायण का। ठीक है, मतलब वीर नारायण तो थे ही, यहाँ पे जो मेन शासन था वो था रानी दुर्गावती का। और रानी दुर्गावती ने 1550 से लेके 1564 तक शासन किया, क्योंकि 1564 में उनकी मृत्यु हो जाती है और अगले वर्ष उनकी क्या है यहाँ पर वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है। तो 1550 से 1565 का समय काल था। यहाँ पर फिर युद्ध होता है, युद्ध में फिर वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एंट्री होती है चंद्र शाह की, यहाँ पे संग्राम शाह के दूसरे पुत्र की। तो यहाँ पे फिर चंद्र शाह शासक बनते हैं। चंद्र शाह के बाद अलग अलग शासक देखेंगे तो फिर मधुकर शाह शासक बनते हैं, मधुकर शाह के बाद प्रेम शाह, प्रेम शाह के बाद हृदय शाह, हृदय शाह के बाद नरेंद्र शाह, महाराज शाह, महाराज शाह के बाद आप देखेंगे तो शिवराज शाह, निजाम शाह और सुमेर शाह। सुमेर शाह के ही पुत्र होंगे कौन? शंकर शाह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया। और शंकर शाह के पुत्र होते हैं कौन? रघुनाथ शाह। तो यहाँ पर शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, 1857 की क्रांति में अपना नेतृत्व करते हैं और जबलपुर क्षेत्र से क्या करेंगे, ये अपना योगदान देते हैं। समझ में आया? ये वाली पूरी कहानी समझ में आई आपको कि किस तरीके से इनका साम्राज्य का विस्तार हुआ और कहाँ पे जाके आगे इनका एंड होता है। तो यहां से आप संग्राम शाह तक समझ गए। संग्राम शाह के बाद दलपति शाह की बात हो गई, रानी दुर्गावती की बात हो गई, वीर नारायण की बात हो गई, और उसके बाद जो परिवर्ती शासक थे उनके बारे में हमने आपको यहाँ पर सारे नाम के तहत बता दिया गया है। अब इनको बारी बारी देखेंगे कि दलपति शाह ने किस तरीके से शासन किया, रानी दुर्गावती ने क्या किया अपने शासनकाल में, और अन्य शासकों ने अपना क्या योगदान दिया। ठीक है, अब आती है यहाँ पे दलपति शाह की स्टोरी। तो दलपति शाह की बात करें तो यहाँ पर दलपति शाह ने शासन किया 1543 से लेके 1550 तक। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1543 में सिंहासन में बैठा, राज्य रोहण के पश्चात इन्होंने महाराजा धीराज श्री राजा की उपाधि धारण की। मतलब दलपति शाह ने क्या उपाधि धारण की, महाराजा धीराज श्री राजा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराजा धीराज श्री राजा की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो थे दलपति शाह ने। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन किया। तो संग्राम शाह ने किसको राजधानी बनाया था, मदन महल को या गढ़ा वाले क्षेत्र को, यहां पर इन्होंने गढ़ा से सिंगौरगढ़ को अपनी क्या किया, राजधानी में परिवर्तन किया। तो दलपति शाह के समय काल में कौन सी राजधानी थी, तो वो थी सिंगौरगढ़ की राजधानी। शासन के 7वें वर्ष इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो अल्पवयस्क पुत्र थे वीर नारायण 5 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं, ये गद्दी में बैठते हैं। तो यहाँ पे दलपति शाह का भी क्या हुआ, कार्यकाल समाप्त हुआ। अब बात आती है वीर नारायण की। तो वीर नारायण ने 1550 से लेके 1565 तक अपना शासन किया। रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को सिंहासन में बिठाया और संरक्षिका के रूप में शासन की बागडोर या वास्तविक शक्तियां अपने हाथों में ले ली। ठीक है, तो यहां से अब शुरू होता है रानी दुर्गावती का काल, जिसे गोंडवाना रियासत का स्वर्णकाल भी बोला जाता है। अब यहां से हम देखेंगे कि रानी दुर्गावती कौन थी, कहां से आई थी, किस तरीके से उन्होंने अपना शासन किया, वो सारी चीजें हम यहां से समझते हैं। ठीक है, अब जो वीर नारायण का समय काल था वही समय काल था किसका, रानी दुर्गावती का काल था, क्योंकि रानी दुर्गावती क्या थी, वहां पे तो संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी, है ना। अब इनका क्षेत्र कौन सा था, तो इनका क्षेत्र गढ़ा राज्य था। जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो इनका जन्म हुआ था कालिंजर महोवा में। पिता का नाम क्या था, कीरत राय, जो कि क्या थे, चंदेल वंश के शासक थे। पति का नाम दलपति शाह था, जो कि क्या थे, गोंड वंश के शासक थे। और पुत्र कौन थे उनके, वीर नारायण। तो यहाँ पर ये इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किसका, रानी दुर्गावती का। अब हम आगे देखेंगे कि रानी दुर्गावती का जो काल था वो गोंडवाना रियासत के स्वर्ण युग का काल माना जाता है। मतलब इन्होंने इस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, शासन के हर एक पहलू से उन्होंने हर चीज़ें देखी समझी, और उसको करने के बाद यहाँ पे उनके काल को क्या माना गया, स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। सॉरी, अब देखेंगे यहाँ पर आपका संग्राम शाह की राजधानी पता है, आपको दलपति शाह की राजधानी पता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी परिवर्तित करके सिंगौरगढ़ से क्या बना लिया, उन्होंने चौरागढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर रानी दुर्गावती के समय राजधानी क्या हो गई, वो हो गई चौरागढ़। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने किन किन लोगों से युद्ध किया, या अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए या अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में युद्ध किए जाते हैं। तो यहाँ पर युद्ध की बात की जाए तो अबुल फजल के अनुसार रानी दुर्गावती ने अफगान सरदारों को पराजित किया। मतलब अबुल फजल ने अपनी किताब में लिखा था कि रानी दुर्गावती ने किसको पराजित किया, अफगान सरदारों को पराजित किया। तो ये युद्ध का पहला परिणाम हुआ। 1556 में बाज बहादुर, जो कि मालवा का शासक था,
उससे युद्ध हुआ और क्या किया, यहाँ पर उन्होंने बाज बहादुर को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो यहाँ पे इनका ये दूसरा युद्ध हो गया, और भी युद्ध होते रहे हैं लेकिन यहाँ पर मेन मेन आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एंट्री होती है आसफ खां की। जिसको कौन ने भेजा था, इसको अकबर के द्वारा भेजा गया था। तो आसफ खां को किसने भेजा था, अकबर ने भेजा था, और अकबर ने यहाँ पर गोंडवाना रियासत की जो शासिका थी उसके विरुद्ध क्या किया था, आक्रमण करने के लिए भेजा था, और आक्रमण में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। अब इसी युद्ध में क्या हुआ, इसी युद्ध में, पहले युद्ध में क्या हुआ, कहीं ना कहीं रानी दुर्गावती ने उन्हें पराजित कर दिया, लेकिन जब आसफ खान ने अपनी दूसरी टुकड़ी लेकर आया और रानी दुर्गावती से युद्ध हुआ, तो यहाँ पर उन्होंने वो अपने आप को हारता देखकर स्वयं को क्या किया, अपनी कटार से अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, 1564 में जब आसफ खान दूसरी बार एंट्री लेता है या दूसरी बार युद्ध करने के लिए आता है, तो यहाँ पर रानी दुर्गावती की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इसी टाइम पर क्या हो जाता है, मुगलों के अधीन हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो गोंडवाना रियासत होगा वो किसके अधीन हो जाएगा, मुगलों के अधीन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं अपने राज्य के लिए। तो राज्य की सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया, और राजधानी परिवर्तन करके किसको राजधानी बनाया, तो इन्होंने अपने चौरागढ़ को राजधानी बनाया। कुशल प्रशासिका और एक महान योद्धा थी, ठीक है, ये तो सबको पता है कि रानी दुर्गावती के चर्चे तो आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और एक महान योद्धा की तरह लड़ी, ठीक है। कई बार अकबर ने भी अपना जिक्र किया, अबुल फजल ने भी अपना कई जगह किताबों में उनका जिक्र किया है कि वो एक क्या थी, वो एक महान योद्धा थी, एक वो सहिष्णु शासिका थी, मतलब उन्होंने अपने सभी धर्मों को अपना आश्रय दिया था, और क्या हुआ, वो सभी धर्म को समान मानती थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या थी, एक सहिष्णु शासिका थी। दामोदर दास और महेश दास जैसे महान विद्वानों को उन्होंने क्या किया, अपने सभा में संरक्षण दिया था। तो यहाँ पर इनके समय काल में दामोदर दास और महेश दास जैसे एक महान विद्वान भी रहे जो उनकी सभा को शोभा बढ़ाते थे, ठीक है। हमेशा प्रजा के बारे में सोचने वाली थी, है ना, वो प्रजा के हित के बारे में सोचती थी, तो उन्हें क्या किया गया, एक प्रजा हितैषी शासिका भी बोला गया है। और साथ ही साथ वो एक धार्मिक महिला थी, मतलब अपने धर्म के प्रति या अपने धर्म को समझती थी। अब धार्मिक महिला मतलब वो किसी भी दूसरे धर्म का क्या करती थी, उनके विचारों का उल्लंघन नहीं करती थी, या कुछ ऐसे बात नहीं करती थी कि दूसरे के धर्मों का क्या हुआ, ठेस पहुंचे, और वो अपने धर्म का भी कहीं ना कहीं संरक्षण किया करती थी। तो इस तरीके से वो एक धार्मिक महिला भी थी और एक प्रजाहितैषी महिला भी थी। उसके बाद आगे जाएंगे तो जबलपुर में उन्होंने क्या किया, 7 तालाब बनवाए थे, ताल जिन्हें बोला जाता था। आज आप देखते होंगे कि जबलपुर में कई ऐसे क्षेत्र हैं, आधार ताल हो गया, रानी ताल हो गया। तो यहाँ पर जितने भी तालाब बनवाए गए थे वो किसके द्वारा बनवाए गए थे, वो बनवाए गए थे रानी दुर्गावती के द्वारा, ठीक है, समझ में आई इतनी चीज़ें यहाँ तक। अब क्या हुआ, यहाँ पर मुगलों से के साथ जब युद्ध हुआ और अत्यधिक घायल जब हो गई, तो स्वयं की कटार से मारकर क्या हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है और देश के लिए वो क्या होती हैं, शहीद हो जाती हैं, ठीक है। अब मुगलों ने क्या किया, यहाँ पर जब रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के पश्चात मुगलों ने कहाँ आक्रमण कर दिया, उन्होंने चौरागढ़ पर आक्रमण कर दिया। और चौरागढ़ पर ही कौन था, वीर नारायण, क्योंकि रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को चौरागढ़ जाने को बोल दिया था। यहाँ पर हमला होने के पश्चात क्या हुआ कि उन्होंने वीर नारायण को पकड़ लिया और वीर नारायण को मृत्यु दंड दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पर जो अभी तक एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में गोंडवाना रियासत चल रही थी वो यहाँ पर क्या हो जाता है, मुगलों के अधीन हो जाती है, ठीक है। आपको चौरागढ़ में जब युद्ध हुआ था तो कहीं ना कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि कई महिलाओं ने चौरागढ़ में जौहर कर लिया था। तो चौरागढ़ में जौहर का भी हमें क्या होता है, हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा 1564 की कहानी है, 1564 में क्या हुआ है, स्वतंत्र आधिपत्य खत्म हो गया और मुगलों के अधीन हो गया था। तो यहाँ पे गोंडवाना रियासत मुगलों के अधीन कब हुआ, 1564 में, ठीक है। आसफ खां को गढ़ा का सूबेदार बनाया गया। बाद में दलपत शाह के भाई जो थे चंद्र शाह, जो कि संग्राम शाह के छोटे पुत्र थे, उनको क्या किया, उनको राजा मान लिया गया। तो अब यहाँ पे राजा कौन बन गया है, तो अब राजा बन गए हैं चंद्र शाह जी, ठीक है। अब चंद्र शाह का काल देखा जाए तो चंद्र शाह का शासन काल था 1564 से लेकर 1576 तक, मतलब गोंडवाना रियासत में दुर्गावती की मृत्यु के पश्चात चंद्र शाह से शासन किया। और चंद्र शाह कब से कब तक थे, 1564 से लेकर 1576 तक था। यहाँ पे ये क्या थे, दलपत शाह के छोटे भाई थे, आपको पता ही है। और इनके द्वारा जब ये संधि की गई, संधि के दौरान क्या किया गया,
तो मुगलों को इनके 10 गढ़ देने पड़े, मतलब जो 52 गढ़ थे जो संग्राम शाह के द्वारा निर्मित किए गए थे या विभाजित किए गए थे, वो वहाँ पे यहाँ पर जब उन्होंने उसका चंद्र शाह को शासन दिया तो यहाँ पर 10 गढ़ जो किसे देने पड़े, वो मुगल को देने पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से चंद्र शाह ने अपना शासनकाल संभाला। अब आती है आगे कहानी, तो यहाँ पे आएंगे हम मधुकर शाह पे। तो मधुकर शाह के पिता का क्या था, पिता चंद्र शाह की हत्या के बाद गद्दी पर बैठा। जब चंद्र शाह की हत्या हो गई तो मधुकर शाह क्या हुआ, मधुकर शाह यहाँ पर गद्दी पे बैठता है। प्रथम बार बघेलखंड में गोंड शासन के आधिपत्य का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बघेलखंड के क्षेत्र में किसके समय काल पर ये हमें उल्लेख मिलता है कि इनका आधिपत्य था या गोंड शासन का आधिपत्य था, तो वो कब तक का था, वो मधुकर शाह के समय काल का था। मुगल प्रशासन के प्रति भी इनकी कृतज्ञता थी, मतलब ये मुगल प्रशासन के प्रति क्या थे, इनका कृतज्ञ था, जिससे क्या था, उनका आक्रमण भी नहीं हुआ और ये शांतिपूर्ण वातावरण से ही अपना क्या करते थे, शासन करते थे। शासनकाल की बात की जाए तो शासनकाल की अगर बात करेंगे तो यहां पर 1576 से लेके 1594 तक मधुकर शाह ने क्या किया था, मधुकर शाह ने अपना शासन किया था। ठीक है, आगे आएंगे प्रेम शाह। तो मधुकर शाह के बाद शासन कौन बना, तो प्रेम शाह शासक बना। इन्होंने क्या किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और ये जो इनके जो बारे में उल्लेख है वो तुजुक ए जहांगीरी में है। ठीक है, तो तुजुक ए जहांगीरी में प्रेम शाह का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं हृदय शाह। हृदय शाह का जो शासनकाल था वो 1635 से लेकर 1671, मतलब इन्होंने 36 वर्ष तक गोंडवाना रियासत में शासन किया। मुगल साम्राज्य के कृपा पात्र थे। ठीक है, तो कई बार इन्होंने क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का भी इनको ये उनके प्रति कृतज्ञ थे, जिससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य ने इनके इनके यहाँ आक्रमण नहीं किया। इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन किया और किससे राजधानी बनाया, तो हृदय शाह ने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो हमें इसकी जानकारी हमें मिलती है गणेश नप वर्णनम में। ठीक है, तो हृदय शाह ने अपनी राजधानी किसे बनाया, रामनगर को। मुगल साम्राज्य के कृपा पात्र थे और 36 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, 36 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इनके कार्य की बात करें तो विष्णु दीक्षित, वैजनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों को क्या किया, इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, रामनगर में इन्होंने क्या किया, दुर्ग बनवाया। बघेलिन महल का भी इन्होंने क्या किया, निर्माण कराया। और कुशल श्रमिकों को लाकर, बाहर से इन्होंने क्या किया, कुशल श्रमिकों को लाकर राज्य की उन्नति के लिए नए नए कार्य किए। तो क्योंकि क्या होता था, गोंडवाना रियासत में या गोंडवाना के उस क्षेत्र में जहाँ पे ये लोग शासन करते थे, वहाँ पर उतने स्किल्ड लेबर ना होने के कारण इन्होंने बाहर से क्या किया, बाहर से लेबर बुलाए और उनके द्वारा राज्य की उन्नति के लिए अपना कार्य किए। तो ये एक अच्छा कदम था हृदय शाह के द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए या साम्राज्य के उत्थान के लिए। ठीक है, उसकी बात आती है महाराज शाह की। तो महाराज शाह ने शासन किया था 1731 से लेकर 1741 तक। इन्होंने 10 वर्ष तक शासन किया। मराठों के द्वारा गढ़ा पर प्रथम बार आक्रमण कब किया गया था, महाराज शाह के समय काल पे। 1731 का वो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड ये समय बाजीराव प्रथम जो मराठा के क्या थे, पेशवा थे, इनका समय काल चल रहा था। ठीक है, तो मराठा के द्वारा गढ़ा पर प्रथम बार आक्रमण कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, वो महाराज शाह के काल में हुआ था। 1741 में बालाजी बाजीराव ने मंडला जीत लिया और गोंड शासक का पेशवा के अधीन हो गए। तो 1741 में बालाजी बाजीराव ने क्या किया, मंडला जीत लिया और गोंड शासक का किसके अधीन हो गए, तो यहाँ पर पेशवा के अधीन हो गए थे। कौन, 1741 में गोंडवाना रियासत। आपको पता ही है स्थापना कब हुई थी, 1328 में। स्थापना के पश्चात इनका स्वतंत्र आधिपत्य रहा, फिर कब, 1564 में। 1564 में मुगलों के अधीन हो गए। 1564 के बाद 1741 में किसके अधीन हो गए, मराठा के अधीन हो गए। और फिर आते हैं आगे कहानी, जब अंग्रेज आएंगे तो 1818 में ये किसके अधीन हो जाएंगे, ये अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी गोंडवाना रियासत की कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके पश्चात अलग अलग शासक हुए, जैसे शिवराज शाह शासक बने, निजाम शाह बने, नरहरी शाह बने, सुमेर शाह बने, ये सब शासक बने। सुमेर शाह के पुत्र कौन थे, शंकर शाह थे। तो यहाँ पर सुमेर शाह के पुत्र कौन होंगे, शंकर शाह होंगे। और शंकर शाह के पुत्र कौन होंगे, रघुनाथ शाह होंगे, जिसके तहत इन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। यहाँ पर हमने सब सारे शासक पढ़ लिए। शासक पढ़ने के पश्चात हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति में किस तरीके से गोंडवाना रियासत के कुछ शासकों ने अपना योगदान दिया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1857 की क्रांति में गोंडवाना रियासत का योगदान।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो विद्रोह हुआ था वो दो क्षेत्रों में हुआ था। जो 1857 की क्रांति जो हुई थी वो दो क्षेत्रों में हुई थी। पहली हुई थी गढ़ा राज्य में, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कौन, अपने संगर शाह और रघुनाथ शाह। और दूसरा जो क्रांति हुई थी वो हुई थी रामगढ़ में, जिसका नेतृत्व कर रही थी कौन, अवंतीबाई, और अवंतीबाई की सहायिका गिरधारी बाई। ये दो लोग जो थे वो वहाँ पर रामगढ़ में अपना शासन, मतलब ये क्रांति का विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, 1857 में जो क्रांति हुई थी, अंग्रेजों का विद्रोह ये लोग इनके द्वारा किया जा रहा था। तो यहाँ पे दो जगह कौन कौन सी हो गई, यहाँ पे पहला हो गया गढ़ा मंडला और दूसरा हो गया रामगढ़। गढ़ा मंडला में रघुनाथ शाह और शंकर शाह, और यहाँ पे अवंतीबाई और गिरधारी भाई ने क्या किया, विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति में सबसे पहले शंकर शाह और रघुनाथ शाह की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, शंकर शाह ने जबलपुर में विद्रोहियों का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रमुख जो कारण था इसका, वो था अंग्रेजों के द्वारा 52वीं रेजिमेंट कमांडर जनरल क्लार्क का जनता के ऊपर क्या हुआ, घोर अत्याचार करना। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक लगातार अत्याचार करना शुरुआत कर दी। और वहाँ पर कौन था, यहाँ पर कमांडर था जनरल क्लार्क। अब इसके बाद जब इसकी जानकारी शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पता पड़ती है, तो ये यहाँ पे विद्रोह करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कमांडर जनरल के द्वारा एक चाल चली जाती है, जहाँ पर एक भिखारी के रूप में ये क्या करते हैं, शासन में एक व्यक्ति भेजते हैं, जिससे क्या है, पूरा का पूरा जो राजकाज का जो काम होता है, जो अंदर की रहस्य होता है, वो सारी बातें लेकर किसे बता दिया, जनरल क्लार्क को बता दिया। और जनरल क्लार्क ने धोखे से किसे, शंकर शाह, या विश्वासघात करके शंकर शाह को और रघुनाथ शाह को क्या किया, बंदी बना लिया गया। तो यहाँ पे विश्वासघात से क्या होता है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह क्या करते हैं, अंग्रेजों के बंदी बन जाते हैं। अब बंदी बनने के पश्चात 1857 को एक घोर अपराध किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इनमें से इनको क्या किया जाता है, रघुनाथ शाह को और शंकर शाह को तोप के सामने बांध कर क्या कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, और इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात ही यहाँ पर विद्रोह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा विद्रोहों को दबाया गया। ठीक है, अब बात आती है दूसरी कि यहाँ पर आगे क्या हुआ, यहाँ पर रानी अवंतीबाई के द्वारा रामगढ़ में विद्रोह किया गया। ठीक है, रामगढ़ में विद्रोह किया गया, जहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा विक्रमजीत को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विक्रमजीत जो थे वो अवंतीबाई के पति थे, और पति वो मानसिक स्थिति उनकी सही ना होने के कारण यहाँ पर विक्रमजीत को क्या किया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। मतलब ये माना गया कि ये इस रियासत में क्या करते थे, शासन करने लायक नहीं है, जिससे अवंतीबाई ने उसका विद्रोह किया। और विद्रोह से क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पर आक्रमण छेड़ दिया। इसके बाद जो ये जो रियासत थी वो किसके अधीन हो गई, वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दी गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, विक्रमजीत को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, और अयोग्य घोषित होने के पश्चात जो रियासत थी वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन हो गई। इसके पश्चात 1 अप्रैल 1858 को मंडला में लेफ्टिनेंट वार्डन पर हमला किया और पराजय जानकर जब उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर अब जीतना मुश्किल है, हम तो अंग्रेजों के गिरफ्त में आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब अवंतीबाई क्या हो गई है, मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं देश के लिए, अपनी रियासत के लिए। ठीक है, अब आता है यहाँ पर सारे के सारे विद्रोह हो गए, 1857 का समयकाल भी आ गया, ये किसके अधीन हो गए, अंग्रेजों के भी अधीन हो गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरा का पूरा गोंडवाना रियासत का राजनैतिक परिदृश्य कैसा था, आर्थिक परिदृश्य कैसा था, और सांस्कृतिक परिदृश्य कैसा था। ठीक है, क्योंकि 11 मार्कर में ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि गोंडवाना रियासत के बारे में या प्रशासन के बारे में बताइए, सॉरी गोंडवाना रियासत के प्रशासन के बारे में बताइए। ठीक है, यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि गोंडवाना रियासत का प्रशासनिक परिदृश्य क्या था। तो सबसे पहले कलचुरी एवं चंदेलो के पतन के बाद गढ़ा मंडला में गोंड शासकों का शासन स्थापित हुआ। अब गोंड शासक के पहले किनका स्थापना कौन के शासक थे, आपको पता ही होगा कि खजुराहो स्थित जेजाग भुक्ति जो चंदेले थे वो क्या थे, उनका शासन था। और इधर साइड देखा जाए तो कलचुरियों का शासन था। तो यहाँ पे कलचुरी और चंदेलों के पतन के पश्चात गढ़ा मंडला में गोंड शासकों का क्या होता है, शासन स्थापित होता है। और यह शासन कितने साल तक चला, तो यह शासन 300 साल तक स्थापित रहा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद प्रारंभ में राजधानी रामनगर थी, बाद में यह मंडला स्थानांतरित की गई।
ठीक है। तो यहाँ पे राजधानी बार बार आपको देखा होगा, दलपति शाह के समय अलग था, संग्राम शाह के समय काल में अलग था, दुर्गावती के समय पे अलग था, फिर अलग अलग शासक हुए, हैदर शाह के समय रामनगर बनाई गई और बाद में क्या बनाई गई, बाद में मंडला को स्थानांतरित कर दिया गया। दलपति शाह के समय गढ़ा से सिंगौरगढ़ राजधानी की गई थी। यहाँ पे हमें केंद्रीय सत्ता का कोई भी स्पष्ट विवरण नहीं प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारियों के नाम मिलता है, जैसे दीवान फौजदार नामक कुछ अधिकारी हुआ करते थे, और उसके पश्चात भंडागारिक, धर्म के लिए धर्मशास्त्री, न्याय का अधिकारी होता था न्यायशास्त्री, जो न्याय को लिपिबद्ध किया करता था। तो यहाँ पर ऐसे कुछ क्या थे, मुख्य कर्मचारी थे जो गोंडवाना रियासत के प्रशासन को संभाला करते थे। इसके बाद अगर सेना की बात करें, क्योंकि हर एक रियासत में अगर सेना नहीं होगी तो उसका कोई भी वर्चस्व नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हमें तीन प्रकार की सेना मिलती है, जो होगी हस्ती सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना। तो यहाँ पर जो गोंडवाना रियासत के सैनिकों का विभाजन था वो था हस्ती सेना में, घुड़सवार सेना में और पैदल सेना में। समझ में आया, बात आई। अब यहाँ जो प्रशासन की, तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो किस में थी, वो थी परगना के रूप में। मतलब यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, परगना। समझ में आया। तो यहाँ पर इसका इस तरीके से गोंडवाना रियासत का प्रशासनिक परिदृश्य था, जिसके तहत आप समझ सकते हैं यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से अपना साम्राज्य विस्तार किया वो भी लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ विस्तार था वो भी लिख सकते हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला वो सारी बातें यहाँ पर आपको स्पष्ट तरीके से बता दी गई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक परिदृश्य, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी गोंडवाना रियासत की, किस तरीके से उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला। तो यहाँ पर सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं हमें वो संग्राम शाह के सिक्कों से मिलते हैं। तो संग्राम शाह ने के समय सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जब ये सिक्के चल रहे हैं तो ये उसकी अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति किस प्रकार थी। फिर यहाँ पे संग्राम शाह ने सिक्कों को छपाने के लिए देवगढ़ में क्या किया था, एक टकसाल भी निर्मित कराई थी। यहाँ पे हमें टकसाल भी मिल जाती है संग्राम शाह के द्वारा निर्मित। फिर किसान मोहर और हाथी के रूप में लगान चुराते, जो किसान थे वो मोहर और हाथी के रूप में अपना लगान चुकाते थे, मतलब कहीं ना कहीं उनके पास हाथी थी, मोहर था, तो एक अच्छी स्थिति भी हमें क्या होती है, स्पष्ट होती है। और यहाँ पे किसान क्या कर रहे हैं, अपना जो लगान चुका रहे हैं वो मोहर और हाथी के रूप में चुका रहे हैं, तो ये वहां की स्थिति भी बताती है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में भी एक अच्छा योगदान था, किसान जब कृषि करते थे तो वो कृषि का जो व्यापार करते थे वो कहाँ कर भेजाते थे, अपना गुजरात और दक्कन के राज्यों में भी अपना क्या करते थे, अपना अनाज का व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी क्या हो गई, ये आर्थिक स्थिति हो गई। अब बात करेंगे अपन सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। तो सांस्कृतिक परिदृश्य में देखेंगे तो सबसे पहले संग्राम शाह ने संस्कृत में रस रत्नमाला की रचना की थी, क्योंकि वो स्वयं ही एक साहित्यकार थे, उन्होंने कई महान वैज्ञानिकों को, महान उनको विद्वानों को अपना संरक्षण भी प्रदान किया था। तो यहाँ पर वो खुद एक साहित्यकार होने के कारण यहाँ पे क्या किया, उन्होंने संस्कृत में रस रत्नमाला की क्या की, रचना की। ठीक है, संग्राम शाह ने संग्राम सागर और बाजना मठ का भी क्या किया, निर्माण कराया। तो यहाँ पर संग्राम शाह ने क्या किया, बाजना मठ और संग्राम सागर का भी निर्माण कराया। दलपति शाह एक सहिष्णु, दानी और न्यायप्रिय व्यक्ति था। ठीक है, न्यायप्रिय शासक था। तो यहाँ पर ये इसकी एक वो थी जिन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी संस्कृति को संभाल के रखा और एक सही तरीके से सही दिशा पर काम किया। वल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत रानी दुर्गावती के काल में आए थे। तो यहाँ पर अलग अलग संत भी क्या करते थे, वो उनके शासनकाल में आया करते थे। तो यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय के क्या था, वो रानी दुर्गावती के काल में आए थे। साहित्य और विद्या के संरक्षक भी थे। तो जितने भी इन्होंने क्या किया, क्योंकि आप देखे होंगे कि जितने भी आप शासक पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी विद्वान को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया और विद्या को भी संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, यहाँ पे जो इनकी राजकाज की भाषा थी वो कैसी थी, वो थी हिंदी भाषा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कैसी राजकाज भाषा का अपनाया, तो उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया था। अब हम आगे देखेंगे कि गोंडकालीन रचनाएं किस तरीके से थी। तो गोंड काल में या गोंड के समय, गोंडकालीन रियासत में यहाँ पर अलग अलग रचनाकार थे। यहाँ पे दुर्गावती प्रकाश मिलेगा, तो दुर्गावती प्रकाश में आपको पद्मनाभ भट्टाचार्य मिलेंगे जिन्होंने दुर्गावती प्रकाश की रचना की। सर्व स्वदेश वृत्तांत का संग्रह मिलता है, वो महेश ठाकुर के द्वारा लिखी की गई थी। रसमंजरी भानुदत्त मिश्रा के द्वारा लिखी गई थी और गणेश नृप वर्णनम ये जो रूपनाथ झा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से गोंडकालीन रचनाएं थी जो यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि गोंडकालीन स्थापत्य किस तरीके से था, किस तरीके से उन्होंने नए नए दुर्ग बनवाए, नए मंदिरों का निर्माण कराया,
तालाबों का निर्माण कराया और कौन कौन से उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए शासकों के द्वारा, वो सब हम समझेंगे, क्योंकि गोंडकालीन स्थापत्य पर भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो 5 मार्कर पर आ जाए, चाहे 11 मार्कर पर आ जाए, और 3 मार्कर पर कोई सा छोटा सा दे दे, जैसे आपसे पूछ लिया रानीताल पूछ लिया, या आधारताल पूछ लिया, या फिर मदन महल पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो कैटेगराइज करेंगे, तो यहां पर गोंडकालीन स्थापत्य की बात करेंगे, तो ये क्या उन्होंने क्या किया, दुर्ग बनवाए, कई मठ और मंदिर का निर्माण करवाया, और कई जगह उन्होंने तालाब का भी निर्माण कराया। ठीक है, तो इस तरीके से इनका स्थापत्य को विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम दुर्ग देखते हैं, तो यहां पर संग्राम शाह ने 52 गढ़ों का निर्माण कराया था, मतलब 52 अलग अलग गढ़ों का निर्माण कराया, तो यहां पर यह दुर्ग की बात हो गई। ठीक है, मंडला का किला बनाया गया, तो मंडला का किला किसने बनाया था, नरेंद्र शाह ने। मदन महल का किला जो बनवाया था वो मदन शाह द्वारा निर्मित किया गया था। फिर रामनगर दुर्ग, मोती महल, बेगम महल, दल बादल महल, ये सब का निर्माण किसने कराया था, ये हैदर शाह के द्वारा करवाया गया था। तो इस तरीके से गोंडवाना रियासत में विभिन्न प्रकार के शासकों के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अलग अलग किलों का निर्माण कराया गया, या अलग अलग दुर्गों का निर्माण कराया गया। ठीक है, अब हम आते हैं मठ या मंदिर पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जबलपुर में ही है पंचमठा मंदिर, जो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित रखता है। इसका स्थान कहाँ है, गढ़ा में। तो यहाँ पर आपको कौन सा मंदिर मिलेगा, पंचमठा मंदिर मिल जाएगा। फिर एक बाजना मठ है, तो बाजना मठ का निर्माण आपको बताया जा चुका है, किसने करवाया था, संग्राम शाह के द्वारा करवाया गया था। और ये कहाँ स्थित है, ये मदन महल में स्थित है। और किस क्षेत्र में था, ये तांत्रिक मंदिर के रूप में था। तो ये जो मदन महल में स्थित होने के कारण संग्राम शाह ने निर्मित कराया, और ये कैसा मंदिर था, ये तांत्रिक मंदिर था। ये कहाँ है, ये जबलपुर में ही है। ठीक है, और क्या नाम है इसका, बाजना मठ। उसके बाद हम देखेंगे तो राजराजेश्वरी का मंदिर, ये कहाँ स्थित है, मंडला में। पशुपतिनाथ का मंदिर, ये गोपालपुर में। तो इस तरीके से ग्वालियर रियासत के, सॉरी, यहाँ पर गोंडवाना रियासत के द्वारा अलग अलग मंदिरों का क्या हुआ था, निर्माण कराया गया था। ठीक है, अब तालाब की बात करें, कि नए नए जो लेक्स बनवाए गए थे यहाँ पर, वो संग्राम शाह ने क्या बनवाया था, संग्राम शाह ने संग्राम सागर बनवाया था। ठीक है, रानीताल, आधारताल, देवताल, ये सब का निर्माण किसने कराया था, रानी दुर्गावती ने करवाया था। आप कभी जब जबलपुर आएंगे तो जबलपुर में देखेंगे रानीताल आपको लोकेशन मिल जाएगी, आधारताल नाम का एक स्टेशन भी है वहाँ पे, आधारताल, तो यहाँ पे आधारताल उसके नाम पे रखा गया है। देवताल है जो, इन सब का निर्माण किसने कराया था, दुर्गावती ने करवाया था। दुर्गावती ने ऐसे 7 तालाबों का निर्माण कराया था। फिर एक रामनगर बावड़ी मिलती है, उसका निर्माण किसने कराया था, उसका निर्माण कराया था हृदय शाह ने। ठीक है, चौरागढ़ की जो बावड़ी मिलती है, उसका निर्माण किसने कराया था, दुर्गावती ने कराया था। तो इस तरीके से यहाँ पर तालाब अलग अलग आपको मिल जाएंगे, जो अलग अलग शासकों के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो यहां पर आपके गोंडवाना रियासत की सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, है ना। यहां पर आपको सारे शासकों के बारे में बता दिया गया, जो इंपॉर्टेंट शासक थे उनके बारे में विस्तार से बता दिया गया। जैसे आपको पता था कि संग्राम शाह और दुर्गावती का जो योगदान था वो बहुत ज्यादा था, तो उनके बारे में उनका साम्राज्य विस्तार भी बताया गया, किस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उन्होंने क्या क्या लोक कल्याणकारी कार्य किए, किस तरीके से अपनी शासन व्यवस्था को समझाने के लिए सैन्य सेना रखी, और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही हैं। दूसरी चीज़ आपको हृदय शाह के बारे में, उन्होंने स्थापत्य में अपना योगदान दिया, वो भी बता दिया गया। अब यहाँ पर यह भी देखा गया कि गोंडवाना रियासत में किस तरीके से उनका राजनीतिक परिदृश्य था, आर्थिक था और सांस्कृतिक परिदृश्य था। तो यहाँ पर जितने भी शासक थे उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार या गोंडवाना रियासत में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, और महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही ये जो रियासत थी वो 300 वर्षों तक अपना क्या किया, शासन किया। भले ही यहाँ पे अलग अलग बीच बीच में कई लोगों का आधिपत्य रहा हो, लेकिन यहाँ पे रियासत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए कई लोक कल्याणकारी कार्य भी किए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके यूनिट 5 की पहली रियासत यहाँ पे समाप्त होती है। गोंडवाना रियासत के सारे पहलू आपको बता दिए गए हैं। अब आपको आपका कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ का आएगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर तीनों लिख सकते हैं। अगर 5 मार्कर की बात करें तो 5 मार्कर में आपके दुर्गावती का योगदान वो भी बता दिया जाएगा, संग्राम शाह के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर 1857 की क्रांति पे क्वेश्चन आ जाएगी, किस तरीके से गोंडवाना रियासत ने सपोर्ट किया, तो आप वो भी पूरी कहानी बता सकते हैं, रामगढ़ और इसके अलग अलग पहलू बता के, तो ये चीज़ें भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या होगा, गोंडवाना रियासत होने के पश्चात आपका क्या बताया गया यहाँ पर,
कि अलग अलग शासकों के बारे में जितनी चीज़ें हैं, कि मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा गया 11 मार्कर में कि गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों के बारे में सब विस्तार पूर्वक बताइए, तो आप उसको भी आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रियासत समाप्त होती है। मिलते हैं अगली रियासत में, जब हम पढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बाकी लेक्चर्स या मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप विहांस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको पेपर 5 पेपर 6 कंप्लीट हो गया है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही स्कोरिंग नंबर होते हैं, दोनों के दोनों पेपर में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। पेपर थ्री का यूनिट 5 भी आपको मैथमेटिक्स अच्छे मार्क्स लाने के लिए कंप्लीट करा दी गई है। यहाँ पर यूनिट 1 स्टार्ट कराई गई है, जहाँ पे आपको सारी रियासत प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जाएगी और अपनी तैयारी में आपको हमारा सहयोग हमेशा प्रदान होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विहांस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सारा कंटेंट जो आपको अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।